सब्सक्राइब टू स्वराज्य एंड प्रेस द बेल आइकन। कनाडा में रहने वाले ईरानी मूल के अरमीन नवाबी ने ट्विटर पर एक विवाद खड़ा कर दिया है देवी काली के अश्लील चित्र पोस्ट करके, और साथ ही उन्होंने देवी को सेक्सी तक कह दिया है। इस पोस्ट के बाद कई प्रतिक्रियाएं आई, उनकी आलोचना हुई, हिंदुओं की तरफ से घोर निंदा की गई, विरोध किया गया, जो कि स्वाभाविक था और यह होना भी चाहिए था। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूंगी दो पक्षों की मानसिकता की। पहला पक्ष है नवाबी का और दूसरा पक्ष है हिंदुओं का। पहले बात करते हैं नवाबी की। नवाबी ईरान में पले बढ़े, वे पहले मुस्लिम थे और फिर उन्होंने इस्लाम त्याग दिया, वे अथीस्ट बन गए हैं और अब वे अपने आप को फ्री थिंकर और रैशनल कहते हैं, यानी तर्क संगत स्वतंत्र विचारक। हालांकि उनके जो स्वतंत्र विचार का दावा है वह अधूरा है, क्योंकि उनकी मानसिकता पर पश्चिमी संस्कृति की गहरी पैठ है। ऐसे में वे हिंदू देवी देवताओं को समझ पाए, उनकी महिमा को समझ पाए, ऐसी उनसे अपेक्षा रखना गलत है। लेकिन उनसे गलती क्या हुई? सबसे बड़ी जो उनसे गलती हुई वह यह थी कि उन्होंने इस्लाम और ईसाइत जैसे अब्राहमिक मतों के तराजू में ही हिंदू धर्म को भी तौल दिया, और जैसा वे उन धर्मों पर वार करते हैं उनके माइथोलॉजिकल टेक्स्ट पर निशाना साधकर, वैसा ही उन्होंने हिंदू धर्म के साथ करना चाहा। उन्होंने हमारी देवी की मूरत, जो कि हम पवित्र मानते हैं, उस पर निशाना साधा। ऐसे में उनकी जो विचारधारा है उसमें पश्चिमी विचार की पैठ। में क्यों कह रही हूं? क्योंकि वहां पर कई हजार वर्षों से कोई स्त्री देवी समान स्थान प्राप्त नहीं कर सकी, यानी किसी स्त्री को देवी नहीं माना जाता था। ऐसे में किसी स्त्री को देवी रूप में वे देख नहीं पा रहे हैं, वे उसे उसी दृष्टि से देख रहे हैं जैसे वे सामान्य रूप से स्त्री को देखते हैं, जैसे पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री के शरीर को सेक्सुअलाइज किया जाता है, कॉमोडिफाई किया जाता है, वे उसे उसी तरह से देख रहे हैं। और यहाँ उनकी संकुचित मानसिकता दर्श दिख जाती है और ये दृष्टिगोचर है। एक और बात जो मैं यहाँ उठाना चाहूंगी कि अगर वे हिंदू काव्यों और कथाओं को पढ़ें जहाँ देवी के रूप का वर्णन है, प्रकृति और पुरुष के संबंध का वर्णन है, तो उन्हें ये भी कामुक ही लगेगा। जबकि वास्तविकता में यदि कोई हिंदू, भले ही वो एक छोटा सा बच्चा हो, वह इसे पढ़े तो उसके मन में इन टेक्स्ट को पढ़कर एक भक्ति भाव जगेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है और कोई भी बाहरी व्यक्ति हिंदू धर्म में कमेंट नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसे इसका न कोई अधिकार है, ना उसकी मानसिकता उसे ऐसा करने के लिए समृद्ध बनाती है, समर्थ बनाती है। अब बात करते हैं क्या नवाबी ने ये जानबूझकर किया? अवश्य उन्होंने जानबूझकर किया। इसके बाद के उनके ट्वीट्स दर्शाते हैं कि उन्हें मजा आ रहा है जब हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, और साथ ही वह ऐसा करके पैसा कमाना चाहते हैं, ये भी दिख सकता है उनकी ट्विटर टाइमलाइन से। ऐसे में उनका ट्वीट भले ही जानबूझकर था, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि अधिक सोचा विचारा हुआ नहीं था, उन्होंने देवी के रूप पर पूर्ण विचार नहीं किया। और ऐसे में ये जो पतन हो रहा है ये उनका ही हो रहा है। अरविंदन सर ने लिखा कि ये कल्चरल अब्यूज तो है ही, लेकिन साथ ही ये उसका खुद पर वार है, यानी वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। कैसे? महिषासुर, जो कि देवी को एक सेक्सुअलाइज रूप में ही देखना चाहता था, उसका क्या हश्र हुआ हम जानते हैं। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं हिंदुओं के। हिंदुओं दो रूप में विभाजित हो चुके हैं, दोनों ने निंदा की, हर हिंदू ने निंदा की इस पोस्ट की। लेकिन एक पक्ष चाहता है कि इसे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य मानकर माफ कर दिया जाए, अनदेखा कर दिया जाए, और दूसरा पक्ष चाहता है कि हम किसी प्रकार का वार नहीं झेलेंगे हिंदू धर्म पर। ऐसे में दोनों पक्षों की मानसिकता में जो अंतर है वो कुछ पूर्व धारणाओं के आधार पर है, कुछ अजम्पशंस के आधार पर है। पहले पक्ष का अजम्पशन ये है कि हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, कोई उसकी निंदा कर दे तो उससे उसे कोई हानि नहीं होगी, ऐसे में हमें उसे अनदेखा कर देना चाहिए, और साथ ही हिंदू धर्म बहुत उदारवादी है, वह गलतियों को माफ कर देता है, वह सहिष्णु है, वह ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेता। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि हिंदू धर्म पर वार होता जा रहा है लगातार, वह वैश्विक स्तर पर एक अल्पसंख्यक है और अब्राहमिक मत उस पर वार कर रहे हैं, और साथ ही हमने देखा कि कैसे अमीन इससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें फंड करें कुछ अब्राहमिक मत जो हिंदू धर्म पर निशाना साधना चाहते हैं। ऐसे में दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर सही हैं, और दीर्घकालिक रूप से क्या सही होगा ये हमें बाद में पता चलेगा। आप जुड़े रहें स्वराज्य से।